SBI का स्टेटमेंट किस प्रकार से निकालना है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन SBI का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। SBI का स्टेटमेंट आप आपके बैंक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप SBI का स्टेटमेंट घर बैठे आपके मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। SBI का स्टेटमेंट निकालने के लिए हम पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट की ज़रूरत खास तौर पर हमें जब पड़ती है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं या फिर हमें कहीं क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं या फिर कोई गाड़ी या वाहन को हम EMI पे ख़रीदते हैं, जब हमें बैंक की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बैंक की स्टेटमेंट आप 1 महीने से लेके 15 दिन की, महीना, 6 महीना, 12 महीना, इस तरीके से बैंक की स्टेटमेंट आप निकलवा सकते हो। बैंक की स्टेटमेंट जब आप बैंक से निकलवाने जाते हो तो बैंक की तरफ से हो सकता है आपसे कुछ बैंक की तरफ से नॉमिनल फ़ीस ली जाती है और कुछ बैंकों की तरफ से वो फ़ीस फ्री भी रहती है। तो लेकिन इसमें बैंक में आपको जाना पड़ती है जब जाके आप बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हो। घर बैठे बैंक का स्टेटमेंट निकालना बताऊंगा किस प्रकार से आप बैंक का स्टेटमेंट आपके मोबाइल ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद में आपको SBI योनो यहाँ पर सर्च कर लेना है और जो SBI योनो ऐप है इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको ऐप को ओपन कर लेना है। SBI का जो योनो ऐप होता है इसके माध्यम से आप कई सारी सर्विसेज को आपके मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप घर बैठे आप बैंक की सारी सुविधाओं का लाभ आपके मोबाइल ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से। आपको ऐप ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर डाल के, सारी डिटेल डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आप इस प्रकार से आपके योनो ऐप के डैशबोर्ड पे आ जाते हो। योनो ऐप के डैशबोर्ड पे आने के बाद में, और दोस्तों एक दिक्कत और आती है, अगर आप फर्स्ट टाइम योनो ऐप रजिस्टर कर रहे हो तो हो सकता है आपको बैंक में जाने की आवश्यकता हो, क्योंकि योनो ऐप पे अकाउंट बनाते समय उसमें एक पिन आता है, जो पिन आपको आपकी बैंक की तरफ से दिया जाता है। अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग का सुविधा नहीं है तो आपको बैंक की तरफ से एक पिन दिया जाता है, उस पिन को आपको योनो ऐप में डालना पड़ती है। योनो पिन को डालने के बाद में ही आपका योनो ऐप चलता है, वर्किंग होता है। तो आप सबसे पहले आप रजिस्टर करें तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई पिन वहाँ पे मांगता है तो आपको आपके बैंक में जाके योनो ऐप का पिन लेना पड़ती है। तो योनो ऐप का पिन लेने के बाद में आप रजिस्टर कर लेते हैं तो उस प्रकार से आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है योनो ऐप में। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट निकालने के लिए कहाँ पे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर की ओर दिख रहा है अकाउंट, पहला ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक सेविंग अकाउंट नंबर दिखेगा, उसी के आगे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे से आपका अकाउंट दिख जाएगा, अकाउंट की सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी, कितना बैलेंस आपका अवेलेबल है यहाँ पर ऊपर शो हो जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर का लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर बता देगा और आपके अकाउंट पर यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे 2.70 हमारा इंटरेस्ट है पर एनम का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसी के यहाँ पे आपको सेकंड में बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद में ये आपके बैंक के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं। इस प्रकार से आप डेली का जो भी लेन देन करते हो, आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे कटते हैं, वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 327 रुपये का हमारा डेबिट हुआ है, ये हमारे अकाउंट से माइनस हुए हैं। साथ में आपको नीचे की ओर दिखेगा 2510 रुपये जो कि हमारे अकाउंट में आए हैं, क्रेडिट हुए हैं। तो इस प्रकार से आप सारा स्टेटमेंट देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे फिलहाल में आपको लास्ट के सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। अगर आपको 6 महीने का स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ से इसे फिल्टर पर क्लिक करके यहाँ से आपके हिसाब से 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना, जैसे मान लीजिए हमें 1 महीने का स्टेटमेंट चाहिए तो 1 महीने में क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका बैंक का सारा 1 महीने का जो भी लेन देन हुआ है आपका बैंक से, वो सारा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख जाता है। स्टेटमेंट दिखने के बाद में यहाँ पे आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये आइकॉन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका स्टेटमेंट है जो कि डाउनलोड हो जाएगा और जो आपका PDF फाइल में स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। PDF फाइल को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए आप जब ओपन करते हो तो उस PDF फाइल में एक लॉक लगा रहता है, उसे पासपोर्ट डाल के खोलना रहता है। तो पासपोर्ट के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, एग्जांपल के तौर पे वो पासपोर्ट क्या रहने वाला है। पासपोर्ट यहाँ पे बताया है आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है आधार कार्ड पे,
वो आपको डेट ऑफ बर्थ का आगे का डेट और मंथ का नंबर डाल लेना है, साथ में आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक से उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका पासवर्ड बनेगा। यहाँ पे आपको डेट लिख देना है और मंथ लिख देना है 0.2025@ और लास्ट में जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका 4 डिजिट यहाँ पे डाल देना है। @ लगा के यहाँ पे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डाल लेना है। तो चलिए हम इसे ओके कर लेते हैं। ये तो एग्जांपल है। मेरे मोबाइल में ये डाउनलोड का आइकॉन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ तो आ जाता है लेकिन मेरे मोबाइल में ये जो PDF है इसकी डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको मेल का। यहाँ पे एक मेल का बॉक्स बना हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने मेल पर क्लिक कर दिया है। जो भी मेरा बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे बैंक की तरफ से एक मेल चले जाता है जिसमें स्टेटमेंट का PDF रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में ऐप डायरेक्ट ऐप से डाउनलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं मेल पे मैंने PDF को मंगा लिया है। अब यहाँ पे आपके डाउनलोड में मेल में यहाँ पे बैंक की तरफ से एक PDF भेज दिया जाता है। PDF यहाँ से स्टेटमेंट का PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसी पे आपको डाउनलोड पे आइकॉन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे भी बताया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप किस प्रकार से PDF का पासवर्ड को अनलॉक करोगे। तो चलिए यहाँ से हमारी PDF डाउनलोड हो चुकी है, इस पे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करके यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं PDF व्यूवर में। अब यहाँ पे लॉग पूछ रहा है तो यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल ली है, स्टार्ट के डेट और मंथ और @ लगा देना है और मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डाल लेना है। अब यहाँ पे ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से आपका स्टेटमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट में अकाउंट नेम दिख जाएगा, इसी के नीचे आपका एड्रेस, साथ में आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट डिस्क्रिप्शन सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है आपका, यहाँ पे इंटरेस्ट दिख जाएगा, उसी के नीचे आपका IFSC कोड दिख जाएगा और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिख जाएगा। आपका स्टेटमेंट कब से कब तक का यहाँ पे बताया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कितना पैसा आपके अकाउंट में आया है, क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब होता है जमा हुआ और डेबिट का मतलब है कटना। ये 327 रुपये हमारे अकाउंट से कटे हैं और इसी के नीचे आपको 2510 रुपये हमारे अकाउंट में आए थे। और यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगी कितनी तारीख को अकाउंट में आए हैं, कौन सी बैंक की तरफ से या कौन सी जगह से आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या फिर पैसे कटे हैं, वो सारी डिटेल है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे मैंने एक मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड किया है जो कि मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट है 1 महीने का। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्टेटमेंट की ज़रूरत कई जगहों पे होती है, कई जगहों पे आप स्टेटमेंट के थ्रू भी आपका काम करवा सकते हो। और यहाँ पे स्टेटमेंट में आपकी सारी डिटेल दे रखी रहती है बैंक की, तो आप स्टेटमेंट लगा के भी आपका काम करवा सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई आपका ज़रूर करता हूँ।